कृष्णा जी ये बताइए, आपने डायगोनल रिलेशनशिप का नाम सुना है? कृष्णा बताओ। यस सर। डायगोनल इसमें क्या बताया गया था आपको सर? कुछ एलिमेंट, कुछ फिक्स्ड एलिमेंट के प्रॉपर्टीज डायगोनल, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होंगे वो डायगोनली थर्ड पीरियड से सिमिलरिटी रखेंगे। बोले भाई और वो सिमिलरिटी में आपको वही सिमिलरिटी मिलेगा, एक मिलेगा आपको रेडियस, दूसरा मिलेगा आपको आयनिक कैरेक्टर। दूसरा क्या मिलेगा आपको? आयनिक कैरेक्टर को लिखते हैं भाई फाई से, बोलते हैं चार्ज बाई साइज, चार्ज बाई साइज। ठीक है, तो आपने इसको इंसेंटिव कहीं खोजा, मिला कहीं नहीं मिला? नहीं मिला, मिला नहीं, खोजा नहीं। ये कहाँ मिलेगा आपको? एस ब्लॉक में सर। नहीं मिलेगा मतलब इस कहाँ मिलेगा आपको? एस ब्लॉक में मिलेगा। जब पढ़ोगे लिथियम से और मैग्नीशियम में सिमिलरिटी, लिथियम और ठीक है, लिथियम का डायगोनल कौन था भाई? मैग्नीशियम। ये तो यहाँ देखो, मैंने आपसे कल बताया था कि रेडियस का ऑर्डर लगभग लगभग क्या होगा इसमें? लेकिन अगर मान लो कोई जे का सवाल आप लगा रहे, क्या लगा रहे? वो तो बोर्ड का ऑर्डर मैंने बताया था ना। अगर आप किसका सवाल लगा रहे हैं, ये देखो ये कितना है, 160 पिकोमीटर। यहाँ देखो ये लगभग कितना हो जाएगा, 152 पिकोमीटर। बोलो भाई, अगर एकदम एग्जैक्ट हमको ऑप्शन लगाना पड़ जाए तब किसकी रेडियस बड़ी है भाई? मैग्नीशियम। किससे? लिथियम से। लेकिन अगर उस तरह से देखा जाए डायरेक्ट लगभग लगभग क्या लगा देंगे? लगभग क्या लगा देंगे भाई बोर्ड में? लेकिन अगर मान लो आपको ऑप्शन कहीं किताब में सवाल आप लगा रहे हैं, जो अपनी किताब आप लिए हैं, तो उसमें अगर आप याद रखिएगा ये साइज बड़ा किसका है, और ये कहाँ जाकर के एक बार देख लीजिएगा, एस ब्लॉक में कहाँ देखिएगा भाई? नाम सुने एस बराक, बराक नहीं ब्लॉक, ब्लॉक बरात कह रहे हैं। चलिए तो आज हेडिंग लिखिए आयनाइजेशन इन थेरेपी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है आशीष जी, आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसका अलग अलग नाम है, एनर्जी या फिर इनथैल्पी या फिर पोटेंशियल। क्या बोल देंगे? पोटेंशियल। ठीक है, या तो आयनाइजेशन एनर्जी बोल दीजिए, या फिर आयनाइजेशन एन्थैल्पी बोल दीजिए, या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल दीजिए। ठीक है आशीष जी। यस सर। आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है? यस सर। सत्यम जी? जी सर। आपने उसमें आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा है क्या? यस यस। क्या बताएंगे, क्या बताया गया था आयनाइजेशन एनर्जी में? याद नहीं, सोच के बताइए थोड़ा तो। सर ये शायद सर आयनाइजेशन में से इलेक्ट्रॉन जो है ionized। बताओ भैया से जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव हां आर वैलेंस है, वैलेंस है टू ग्राउंड स्टेट, टू ग्राउंड स्टेट। सर जो एनर्जी मतलब लगती है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से निकालने में, सर वो बाहर वैलेंस से ग्राउंड स्टेट से। सर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक शेल से एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे शेल में ले जाने के लिए, तब तो एक्साइटेड स्टेट हो गया ना वो, एक्साइटेशन एनर्जी। सर जो बता रहे सर, यदि ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट को फेंक दिया जाए, ग्राउंड स्टेट से कहाँ फेंक दिया जाए भाई? इनफाइनाइट। तो सिर्फ जब ग्राउंड से इनफाइनाइट फेंकिएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी, और यदि आप किसी और सेल में फेंकिएगा तो एक्साइटेशन एनर्जी या एक्साइटेड स्टेट। नाम सुना था आपने? यस सर। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। यस। नहीं सुना था? एक्साइटेशन में था कृष्णा जी कि किसी भी सेकंड में फेंक दिया आपने, थर्ड में फेंक दिया, फोर्थ में फेंक दिया, किसी दूसरे में फेंक दिया। मैंने कहा था कि अगर ग्राउंड फ्लोर से फेंक दो जहाँ पतंग उड़ाते हैं आंटी जी के छत पे, याद कीजिए ये बात बोले था ना, जहाँ से आप पतंग उड़ाते हैं उस फ्लोर का ग्राउंड से देखा जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी, और बीच में अगर कहीं फेंकिएगा तो एक्साइटेशन एनर्जी या फिर एक्साइटेड स्टेट बोलते थे उसी को। चलिए तो इसमें लिखिए, हाँ देख लो फिर इधर देखो भाई, इसमें क्या है कि कोई भी ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है। क्या है भाई कृष्णा जी? आइसोलेटेड, आइसोलेटेड
गैसियस एटम, ये बाहरी कक्षा का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आप बोलना चाहते थे, ठीक है भाई। हमें बस एक बात बताओ कृष्णा जी, ये इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। जेड इफेक्टिव किधर लगेगा? सेंटर के तरफ। बोलिए भाई कृष्णा जी, लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। मैं आपको आपकी भाषा में समझा दूं? ठीक, समझिएगा, ध्यान समझिएगा। ये देखिए आशीष जी, ये आपके लिए फिलहाल ये क्या है भाई? मसाला आपके क्या है? बस आराम से देखिएगा, ये कौन है भाई आपकी मसाला? और नहीं इधर समझे, आप जो है हीरोपंती के हीरो फील कीजिएगा। हीरोपंती मूवी देखे हैं? यस सर। उसी के हीरो हैं आप, ठीक है? आप नया रोल दिया जा रहा है। हाँ जी जी, तो ये देखिए भाई, ये आप देखिए मसाला, इनका लगा मम्मी से, पापा से, परिवार से होगा, चाचा से होगा, याद है ना आपको? उसमें बोले भाई घर तक लगा होगा कि नहीं होगा? लगा होगा यस सर। लेकिन अब किसी कारणवश झाड़ू मारते हुए कृष्णा जी इनको देख लिए, मतलब कृष्णा जी नहीं आशीष जी देख लिए? आशीष जी देख लिए। चलिए ठीक है, अब आशीष जी का ध्यान कहाँ जाने लगा बार बार? मसाला। कितना अच्छा समय अब इनका ध्यान ही पड़ेगा या कि ये ध्यान इनका मसाला, इनका मेन जो फोकस पड़ेगा जब मसाला पे, ये अब देखेंगे कि इसका ध्यान किधर है? घर के तरफ भाई। उनका तो अपने मम्मी पापा से डरेंगे ना कि डायरेक्ट आपके साथ चले आएंगे? अब ये धीरे धीरे क्या करेंगे, इतना एनर्जी लगा देंगे, इतना फोर्स लगा देंगे, समझ रहे हैं? और यहाँ इनका जो दोस्त है चीकू, वो देखे यहाँ पे बोलेगा तो वो कार खड़ी होगा यहाँ पे, इनका जो दोस्त है वो कार लेकर खड़ा है सर पहले से, ठीक है? कि बस ये जहाँ से जैसे ही आशीष जी यहाँ से जंप मारे लेकर के आ गए, थोड़ा ध्यान से लेकिन भाई निकल गए दिल्ली से। दिल्ली? यस। आगरा भेज दीजिए। तो यहाँ समझिएगा कृष्णा जी, ये आपका ही सवाल है, देखिए भाई कलर करने में इलेक्ट्रॉन जो होगा इधर जेड इफेक्टिव लगेगा। यस सर। अगर इसको रिमूव करना चाहेंगे आपको बास फोर्स लगाना पड़ेगा। यस सर। बास क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। तो जब फोर्स लगे तक नहीं यहाँ से निकलेगा। yes, sir. और जब ये निकलेगा तो ये आयन फॉर्म में बन जाएगा। yes. जो भी एटम होगा वो आयन फॉर्म बन जाएगा ना? yes, sir. नहीं बनेगा भाई? बनेगा sir. तो उसको रिमूव करने के लिए जो कम से कम जो भी एनर्जी लगानी पड़ती है उसी को क्या बोलते हैं? सर ये कह रहे हैं जो मतलब आउटर मोस्ट मतलब वायलेंस है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं होगा सर, और भी तो इलेक्ट्रॉन होगा। तो पहले आप पहले टर्न करेंगे जो सबसे दूर होगा ना बारी कक्षा में, तो बारी कक्षा में सर एक ही हो थोड़ी होगा, तो आप उस मूवी देखा ना उसमें दो सिस्टर होती है ना जो तुमको अच्छी लगेगी। क्यों भैया? तो पहले वाले देखे निकलना आसान था, लेकिन दूसरे लग लेके भागना मुश्किल। नहीं देखे क्या मूवी? वो नहीं कर रहा सर, इसमें और भी कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है। हाँ एकदम सही, कितना जी सही कह, वो चौकन्ना हो जाएंगे ना, फिर भी आप निकालना चाहते हैं, तो पहली बार उसका दोस्त लेके भागता है। सर कह रहे हैं जो कहना चाहते वो आप नहीं समझ रहे, बस आप ही कह दीजिए ताकि जल्दी समझ जाए, बगल में ही है सर, कुछ देर परेशान है। अच्छा इधर देखो थोड़ा सा, ये जो अनसन एनर्जी है ये जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जेड इफेक्टिव की क्या भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अनसन एनर्जी बढ़ेगा सर। क्या भाई कृष्णा जी कहाँ ध्यान लगा, इनको तो ध्यान दीजिए बगल में है। अरे सर कुछ बोल ही नहीं रहा। जेड इफेक्टिव और अनसन एनर्जी में क्या रिलेशन है भाई? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। अब अपने मन से बताओ कोई एटम ये है ए, ए से बन गया आशीष जी ए प्लस, तो जेड इफेक्टिव इधर क्या होगा? बस इधर आने बढ़ेगा सर, डोज देगा बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। अब ए से फिर बन गया ये डबल प्लस, क्या बन गया? डबल। अब बताओ जेड इफेक्टिव फिर बढ़ गया, प्लस प्लस का ज्यादा हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी और बढ़ जाएगी सर। अगर यहाँ से आप और निकाल दो इलेक्ट्रॉन सर, एक सेकंड जेड इफेक्टिव और बढ़ जाएगा। बोलो भाई जी, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया आशीष? बोलो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। आशीष जी सुनिएगा, देखिए यहाँ पे जब ए से ए प्लस बनेगा तो इलेक्ट्रॉन एक काम करेंगे, जेड तो वही रहेगा, सिग्मा की वैल्यू घट गई ना। बोलिए भाई यहाँ देखिए जेड की वैल्यू वही रहेगी, सिग्मा की वैल्यू और घट गई, इलेक्ट्रॉन आपने और कम कर दिया ना। भाई इधर देखिए आप एक काम से काम करें, जेड वही रहेगा, सिग्मा की वैल्यू आपने और घटा दिया ना। नहीं समझे भाई? तो जो नेट आएगा देखिए यह तो और बड़ा आ जाएगा ना। सिग्मा की वैल्यू घटेगी, यस
अब देखिए जो जेड इफेक्टिव निकालते थे निकालते थे ना जेड माइनस जेड माइनस सिग्मा यस सर। तो यहाँ जब प्लस बनेगा तो इलेक्ट्रॉन कम होगा कि नहीं सिग्मा वैल्यू घट जाएगी ना जो नेट जो भी आता था पहले से तो ज्यादा आएगा ना अब अगर आप और इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा नहीं समझ पा रहे एनर्जी ये पूछना चाहते थे ना आपके सर जब से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा बड़ा बहुत समझ रहे हैं अभी सर जो आउटर सेल रहेगा उसमें एक से ज्यादा भी तो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जी वो भी मैं बताऊंगा अभी अभी इतना पहले हमको सिखाओ इतना समझाओ बस कि जैसे ए से जब ए प्लस बनेगा जेड शक्ति बढ़ेगा कि नहीं और अगर फिर इलेक्ट्रॉन निकाले तो और बढ़ेगा कि नहीं फिर और निकाले तो और बढ़ेगा कि नहीं सर ऐसे तो निकाल सकते हैं अगर सर्कल के फॉर्म में वो दोस्त मैं वो भी बताऊंगा हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्सेप्ट हाफ फील्ड और फुल फील्ड बात समझ रहे हैं बट पहले ये तो आप समझ लो पहले कि भाई आइंस्टीन एनर्जी होता क्या है तो किसी को भगाने के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐसी चीज जो एनर्जी लगानी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं आयोनाइजेशन अब इसमें देखो ऐसी जितना मतलब आपके उसमें पावर है आप इतना मोटिवेट कर देते हैं लोग घर वाले को भी भूल जाते हैं आपको बस देख करके आपके दिल को इतना सोचे नहीं भाई देखें आप कभी जो चाहने वाले हीर रांझा घर द्वार दुनिया छोड़ देते हैं बस एक दूसरे आपको पाने के लिए इसीलिए तुरंत टीम अप चढ़ गए थे उसे वही तो आपके यहाँ आपसे सेटअप होता है ना उन सब चीजों से भी दूर रहना कल देखे हम लोग देखे गुलाब खरीद रहे थे आप 12 फरवरी से 14 यही थे ना भैया उस दिन कहा फरवरी आया देखे 14 फरवरी की बात कर रहे हैं 9 तारीख को गुलाब दिया जाता है क्या कल है ना आप गुलाब खरीद रहे थे दुकान पे दे देना तुम तो रोज दिन 9 को होता है ना तो आगे आए खरीद लिए तुम चलिए कोई बात नहीं थोड़ा सा बेचिए मत अरे सर उस दिन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो वो लिखे ऊपर जेड इफेक्टिव हाँ ये लिखना तो यही लिखना कहीं भी जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन एनर्जी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी Which is required to remove an electron and electron from the valence cell of neutral isolated gaseous atom is defined as ionization enthalpy या फिर ionization energy ठीक हो गया सी जी बस एक डायग्राम ऐसे बना लेना आप अगर ये मान लो न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है इसको रिमूव करने के लिए इससे डायग्राम दीजिएगा ये बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा ना yes, और इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई और यहाँ साइन क्या रहेगा प्लस क्योंकि एनर्जी दे रहा है ना आप यहाँ रिमूव करने के लिए इसलिए कौन सा साइन लगाएंगे भाई प्लस लगाइएगा और जो भी देखिए एटम होगा भाई इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया ना Yes, ये पॉजिटिव बन जाएगा दोस्त क्या बन जाएगा नहीं समझ रहे कैसे हाँ समझ गए ये आपका था आइस न्यूट्रल yes, दे दिया तो पॉजिटिव ले लिया ये न्यूट्रल हो गया ना भाई ये तो न्यूट्रल था ना आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया ना
तो जैसे आप समझिए थोड़ा सा, अगर 10 इलेक्ट्रॉन रहोगे तो 10 प्रोटॉन रहा होगा, बट आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो प्रोटॉन तो भी 10 है ना। बोलो भाई, वही दिखाते हैं कि एक इस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव ये बताएगा कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, ये पॉजिटिव क्या बताएगा? नोट कर लिए, अब ये आयंस हो गया। और सर जो इसको एनर्जी देंगे वो पॉजिटिव रहेगी या निगेटिव? निगेटिव। आप एनर्जी दे रहे हैं ना भैया, इसलिए पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। नहीं देंगे और अगर रिलीज होता तो निगेटिव साइन यूज करते, ठीक है? तो यहाँ देखिए उल्टा होता है, आप फिजिक्स वाला लगाएंगे तो फंस जाएंगे। अगर यहाँ कौन सा लगाएंगे आप? फिजिक्स वाला तो फंस जाएंगे, मैथ ही काम है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे प्लस का मतलब उल्टा होता है, केमिस्ट्री में उल्टा होता है, इसमें प्लस का इंडिकेशन होता है सीजी एब्जॉर्ब होना, समझ रहे हैं यहाँ पे? और माइनस का मतलब होता है रिलीज्ड होना, और डाटा का मतलब वही रहेगा, छोटा बड़ा जो वही है। मैथ में जैसे माइनस हटा देना यहाँ पे उल्टा होता है, रिलीज होना। तो यहाँ पढ़ते हैं सिस्टम तो फिजिक्स में उल्टा होता है या उल्टा होता है? यस। तो मिलाइएगा तो कैचअप नहीं होगा, मैचअप नहीं होगा। मैचअप तब होगा जब फिजिक्स की बात फिजिक्स में, केमिस्ट्री की बात केमिस्ट्री में। आप भी टेंशन फ्री? यस सर। पढ़ाने वाले भी टेंशन फ्री? तो आप इनका डाउट उनसे पूछो, उनका इनसे पूछो, खुद ही परेशान हो जाएंगे। चलो भाई आगे थोड़ा जल्दी करिए। हो गया, कितना देर तुम लोग? तुम लोग क्या है? अच्छा तुम नहीं अभी कृष्णा हो गया है। अब देखो भैया सी सी लिख सकते ऊपर, ये वाला भी नहीं लिखा था एग्जांपल। चलिए मैं ये वाला फिर से लिखवा दे रहा हूँ, लिख के तो सर देखिए थोड़ा समझ गए, थोड़ा और अच्छे से बता रहा हूँ सर, थोड़ा और इधर से। जैसे ये ए गैसियस फॉर्म, किस फॉर्म में? अच्छा आ रहा है, क्योंकि आपने लिखा था ना न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। यस क्या भाई आशीष जी? यस। तो यहाँ देखिए आपने पहले क्या निकाला, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो पहले ये क्या बनेगा? A प्लस बनेगा, सोच लीजिए। A प्लस बनेगा ना, और ये क्या रहेगा भाई? गैसियस। अब जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कीजिएगा तो आयनाइज एनर्जी लगाना पड़ेगा ना। yes. जो एनर्जी लगाइएगा उसी को क्या बोलते हैं भाई? आयनाइजेशन। यहाँ देखिए उसी को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप एनर्जी देना पड़ेगा ना पहले पहली बार। तो पहले तो क्या चीज देखिए, पहले क्या लगा दिए? प्लस। फिर क्या लगा दिए? फिर क्या लिख दिए? यहाँ क्या लगा देंगे? क्या ये क्या लगाए हैं? इधर देखिए आशीष जी, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, फिर आपने आशीष जी एक इलेक्ट्रॉन और निकालने की कोशिश किया, ए प्लस में से निकाले। हाँ जी जी, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकालने को, तो ए प्लस प्लस बन जाएगा, ए प्लस प्लस बनेगा। तो अब यहाँ जो एनर्जी दीजिएगा वो भी आई टू हो जाएगा। हाँ एकदम सही, आई टू, इतना समझ रहे आपका? फिर अगर आशीष जी मन किया नहीं नहीं भाई मेरा मामला ठंडा नहीं, निकालते नहीं इतना मत दिमाग पड़ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखिए भाई, अब यहाँ क्या हो जाएगा? आई थ्री हो जाएगा। सर इसमें इलेक्ट्रॉन उतना ही निकलेंगे जितना है ना सर, उतना ही निकाल पाए। पहले ये समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे तो एक बार और निकालो यार, कहाँ परेशान है। अरे सर कहाँ तक निकालते? अरे एकदम सर बफर सिस्टम, अब निकाल निकाल के एलिमेंट खत्म कर देगा। फिर आपने निकाला, अब यहाँ क्या हो जाएगा? आई फोर हो जाएगा सर। ठीक ये समझ के पहले अब देखो, कहीं से भी अगर कोई मामला भी न्यूट्रल हो, सीधा साधा परिवार हो, तो पहली बार आप मसाला लेके भाग गए। अब मसाला सचेत हो जाएगा कि नहीं? यस सचेत हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, अभी एक तो भाग रहे हो ना लेके भाग। बोलो भैया, अब अगर फिर टारगेट आप बनाए हो आप बताओ। इधर देखो डिस्टर्ब ना करो, इधर देखो डिस्टर्ब ना करो। पहले के कंफ्यूजन में अब एनर्जी डबल लगानी ज्यादा की कम? बस ये बताओ ज्यादा लगानी, बस इतना ही बोला। डबल एंड ट्रिपल नहीं बोलेंगे। अब देखो भाई, दो उस घर में दो घटना हो गई ना उसी तरह। लेकिन अभी आपका मन भरा, अब सत्यम चलेगा। अब देखो भाई जल्दी पहुंचेंगे इसमें से, दो ही ज्यादा लगा हो चुका है ना, बॉडी गार्ड लग गए हैं। नहीं नहीं भैया, फिर देखिए जब यहाँ पहुंचेंगे वो धूम थ्री का देखे, जो उसमें जो हीरा चुराना रहता है, धूम थ्री धूम फोर जो भी है, कुछ उस तरह का मैटर होगा, पूरी सिक्योरिटी लगी हर तरफ। यस। अब आपको एनर्जी थोड़ा और ज्यादा लगाने पड़े। तो अगर कोई आपसे पूछे आशीष जी, यस सर, यहाँ पे एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, क्या बताएंगे? यस सर, ऑर्डर किसमें बताना है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे अधिक कहाँ लगाना पड़ेगा आपको? आई फोर में।
आप समझ रहे हैं एकदम एकदम समझ रहे हैं बोलिए तो कौन सी पसंद आपको पहली वाली जीना है तो मारना है इतिहास में सर तो सबके लिए मत क्या करेंगे क्या ये खराब चीज है दुनिया का है ये कैसे जी क्या ऐसा नहीं है आप ऐसा ये कभी दिन में आपके लाइफ नहीं आ गया ऐसा सिचुएशन नहीं सर ऐसा नहीं ट्राई कर आंटी जी पूछे कभी आप मोटिवेट कर लीजिए अच्छे से पूरा ठीक है या इलेक्ट्रॉनिक वाला कर लीजिएगा आप आंटी जी लिख लीजिएगा कहता हूँ पूरा फ्लैट नहीं है उनका खुद नहीं है मेरे साल एक को है ना उनका खुद बड़ा महंगा ले गया 50-50 लाख ना सी सी आप उनको ले लेंगे तो सस्ता पड़ेगा उनकी संपत्ति आपकी संपत्ति जरूरत पड़ेगा कोर्ट मैरिज हो जाएगा संपत्ति का संपत्ति का कोर्ट मैरिज करा रहे हैं इतना जल्दी ऐसे तुम गुस्सा कर समझ रहे हैं प्लस कैसे क्या हो रहा है अब मान लीजिए गलती से अगर कोई अब इसके बाद भी अगर आ जाए तो फिर लड़ाई कर लेगा समझ रहे ना फिर आज बार की बात आ जाएगी बस 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 कितना अकेले खाती है सर मतलब आप इनसे यही काम करवाइएगा नेक्स्ट लिखिएगा भाई फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी जो आप लोग पूछ रहे थे ना फुल फील्ड और हाफ नहीं कि पहला या दूसरा जो भी है वो भी सर इफेक्ट करता है वो भी बताऊंगा आपको फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी हेडिंग है भाई क्या है आपका हेडिंग हेडिंग पहला लिखिएगा उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या लिखिएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट एकदम सही तो बताइए सबसे अधिक स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका था कल एस का फिर पी का फिर डी का बोलिए भाई यानी एस का सबसे अधिक क्यों था क्योंकि सर एकदम न्यूक्लियर से करीब था सर बोलो भैया सी जी यदि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो सबसे आसानी से आप कहां से निकालेंगे आसानी से ही अपने से क्योंकि सबसे दूर है ना बोलिए भाई देखिए यहां से थोड़ा आपको क्रिटिकल हो जाएगा यहां से निकालने में और यस से निकालने में नहीं समझ रहे यानी एक बात बताओ कि आयनाइजेशन एनर्जी और स्क्रीनिंग में क्या रिलेशन है देखो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है रुक जाइए हाँ ये बहुत ज्यादा है रुको यहाँ कैसे लिखेंगे ऑर्डर गलत लिख दिया नहीं मैं सेट कर सर अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट यस का ज्यादा है सर तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी मैं समझा रहा समझो रुक जाओ नहीं रुक जाओ अरे भाई इधर आ जाओ ना कहीं रोते हो यार इधर आ जाओ जैसे ये ए था ना यहाँ सिग्मा है क्या भाई ठीक है ना या जब ए प्लस बनेगा यहाँ भी सिग्मा डैश मान ले ये जब ए डबल प्लस है यहाँ सिग्मा और यहाँ ट्रिपल और यहाँ
अब बताओ सिग्मा की वैल्यू क्या हो रही है इधर आने पे? इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। तो सिग्मा की वैल्यू कम बढ़ रही है? नहीं कम हो रही है। यही ना सिग्मा था इसके अंदर, ये घटेगा कि नहीं? तो बताओ अगर सिग्मा वैल्यू घट रही है कि नहीं घट रही भाई, तो आंसर एनर्जी बढ़ेगी। देख लो वहां पे, यस सही है सर, ये लिखा है जेड इफेक्टिव बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। कहां लिखा है? लिखा है पूर्व में सबसे पहले ये लिखा है। हाँ सर तो बढ़ेगी ही ना, तो बढ़ेगी है ना। अरे मेरे भाई ये आप जो कह रहे हो, मैंने ये इसका जो सिग्मा लिखा है स्क्रीनिंग वाला मैटर। अच्छा। और आप आंसर एनर्जी नेट बात कर रहे हो, नेट यहाँ देखो जैसे इधर आने पर सिग्मा की बात करो, सिर्फ सिग्मा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? कम होगी कि नहीं? कम होगी। इलेक्ट्रॉन घट रहा है नहीं घट रहा है, तो जेट इफेक्टिव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। अच्छा जेट इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या गलत लिखा ना आपने एनर्जी है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थमत गए ना भाई, थमत गए तो ठीक। इसको सबसे ज्यादा मजा आता है, पता नहीं कौन सी मजा आ जाता है बात बात में। जान लीजिए वो तो छोटे ना आपसे ये लोग, माफ कर देते हैं सर। ठीक है ऐसे मन में मन गुनगुना रहा है पता नहीं। जैसे देखिए दूरी बढ़ती जाएगी ठीक है ना, सिग्मा की वैल्यू घटेगी घटती जाएगी ठीक है। मतलब इससे न्यूक्लियस से दूरी है कि सबसे नजदीक यस होगा ना, फिर पी तो ये डी थोड़ा सर तो सीधा लाइन है पैराबोला क्या बना दिया आसे सीधे बना दिया। चले आगे अगला फैक्टर सेकंड पॉइंट लिखिए, ये नहीं बनाना है भाई, ये तो मैं रुक गए सो समझाने। तुम लोग क्या करते हो अब तुम्हारे जैसे, तुम लोग उसमें देखते हो। चलो अभी रास्ता हम पूछेंगे तो कहेगा कहां पढ़ा है तेरी। सेकंड पॉइंट लिखो, ये क्वेश्चन होता नहीं है पूरा नाम आपको याद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमस्कार आपसे। थैंक यू सर। और जेड इफेक्टिव में क्या रिलेशन है? जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा होता है, तो और ये दोनों देखिए आपको होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्या होता है? अट्रैक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फोर्स, ठीक है ना? अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, या वही आपको आंसर एनर्जी बोल दीजिए। वही जो आपने लिखा ना आशीष जी शुरू शुरू में, आंसर एनर्जी भाई तीसरा लिखिएगा, एटॉमिक साइज। क्या चीज? एटॉमिक साइज। यहाँ देखिए ये क्या लिखा आशीष जी, एटॉमिक साइज है। इसमें क्या रिलेशन है जेड इफेक्टिव में और साइज में? सही, ठीक है सर। एटॉमिक मतलब सर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज घटेगा। सत्यम जी लेफ्ट से राइट जाने पे, अच्छा साइज पढ़ाया कि नहीं मैंने अभी? एकदम सर पढ़ाया। लेफ्ट से राइट जाने पे साइज क्या होगा? लेफ्ट से राइट से यू सो साइज सर बढ़ेगी। छत पे दौड़ेंगे किसने तो साइज, सत्यम जी अगर छत पे दौड़ेंगे तो साइज बढ़ेगी सर। ये क्या बोला था? नहीं सर ऊपर से नीचे जाएंगे तब बढ़ेगी, वो छत पे दौड़ेंगे तब घटेगी। यस सर। पीरियड पे जब जाएंगे तो इधर तो घटेगी, इधर जेड इफेक्टिव बढ़ता है। देखो भाई इधर जाने पे आपका जेड इफेक्टिव बढ़ता है ना, साइज घटेगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? जब साइज घटेगा तो वहाँ देखो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो आंसर एनर्जी बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। अब अगर टॉप टू बॉटम जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम जाने किसने ध्यान दीजिएगा, साइज बढ़ेगा सर। जेड इफेक्टिव तो कांस्टेंट है ना, टॉप टू बॉटम जाने के लिए जेड इफेक्टिव कांस्टेंट है ना। अब यहाँ देखेंगे साइज में और आंसर एनर्जी में, साइज में और साइज बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा तो आंसर एनर्जी घटेगा, साइज बढ़ेगा तो आंसर एनर्जी घटेगा। लॉजिक सिंपल, ठीक है। चलिए और लिखिए नेक्स्ट, फोर्थ लिखिए जो आप लोग पूछ रहे थे, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड
फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल, या फिर आप लिख लो सबसेल, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड सबसेल और अच्छा रहेगा। नहीं ऑर्बिटल लिखो, सही ऑर्बिटल लिखो, नहीं 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 अब्लिक मत डालो यार, अब्लिक मत करे भाई, अरे मेरा नोट सम समझ जाएंगे ना तुम, अरे अरे लिख के काट दिया तेरी की। अब देखो यासी जी, कभी जैसे आपका ये नाम सुना आपने, एस ऑर्बिटल, टी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल, ये सुने आपने? सुने सर। यस में मैक्सिमम कितना रख सकते भाई? दो। अब पी में? तो पी में छह, डी में दस। यहाँ देखो अगर ये अगर टू है, कितना ये कितना है, ये कितना दस चौदह, चौदह सर, और इसमें कितना है, एफ चौदह होगा, हो गया, इसमें इसे हो जाएगा तीन पांच सात। अगर कोई या तो फुल फील्ड हो, क्या हो भाई, फुल फील्ड हो, या फिर हाफ फील्ड हो, क्या हो, हाफ फील्ड, ये मोर स्टेबल होते हैं, क्या होते हैं, मोर पूरे फील्ड रहेगा स्टेबल, स्टेबल मोर स्टेबल होंगे, इसकी आंसर है जब समझा रहा हूँ थोड़ा सा, तो इतना लिखो आप लोग, दो मिनट, या तो फुल फील्ड हो या फिर हाफ फील्ड, हाफ फील्ड हो, मैं समझा रहा हूँ, आप समझ लो भाई, पहले बात टेंशन नहीं, ये सब पहली बार अभी आपको मिली रहा सब देखने के लिए, नहीं सर नया नहीं है, नया नहीं है, दूसरा चैप्टर में पढ़ लिया बस, इसमें थोड़ा सा यही दो टॉपिक हैं, टेंशन एनर्जी और वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। बस एक बात देखिएगा आशीष जी, अगल बगल क्या देखिएगा, आप जैसे जब भी जिस फ्लैट में रहते होंगे तो अगर कोई पूछेगा फ्लैट कैसा है, जो अगल बगल उसी से कंपैरिजन कीजिएगा, फिर पूरे बनारस से अगल बगल, बस इतना याद रखिएगा, जो भी लाल लाइफ जोड़ी देखते हो हमेशा किससे देखते हैं, अगल बगल से, ठीक है, कि सत्यम भैया की है, कृष्णा भैया की वो ठीक है कि नहीं, अब पूरे बनारस से नहीं करेंगे, अब साइकिल की बात कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, साइकिल की सोच रहे हैं भी सर, साइकिल की बात कर रहे हैं भाई, है नहीं भैया, जैसे अगर इनका अगर कोई कंपैरिजन करना रहेगा तो इनके अगल बगल की संपत्ति से कीजिएगा ना, जो साइकिल आप समझ रहे हैं ना, समझदार आदमी है आप, सर पहले अगल बगल देखने, बस बस इतना ही देखना आपको, जो हाफ फील्ड देखिएगा कहाँ देखिएगा, सिर्फ अगल बगल, ठीक है दोस्त, पहले अगर मान लो मैं बात करता हूँ सेकंड पीरियड का, किसका भाई, सेकंड पीरियड, ठीक है ना, तो सेकंड पीरियड में कौन कौन एलिमेंट मिलेंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन होगा सर, ठीक, बताओ भाई इधर आने पे जेड इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा सर, बोलो भाई, बढ़ेगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आंसर है ना जी, बढ़ेगा, आंसर जी बढ़ेगा, तो एटॉमिक रेडियस घटेगा, घटेगा, पहले तो नहीं बात समझ गए, अगर ऑर्डर बदल था पहले ये ऑर्डर हो जाएगा इस तरह से बढ़ रहा ना ऐसे जेड इफेक्टिव, ठीक है सर, तो रेडियस के लिए उल्टा, रेडियस के लिए उल्टा, तो हम फिलहाल ये कहना चाहते कि रेडियस को पहले हटा दीजिए, ठीक, मतलब समझ रहे ना आप, मेन सेटअप बन रहा ना भैया, बस ये मैटर है, सेटअप बन रहा ना, ये समझ गए भाई, अब थोड़ा देखो क्या आप हमको इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देंगे, यस सर, इसका क्या होगा भाई, ऐसे बोलो टू पी टू, टू पी थ्री, टू पी फोर, टू पी फोर, आगे लिखो नहीं, 2p5, 2p6, 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 2p6,
दो हो सकता है, एक एक हो सकता है। अरे एक इलेक्ट्रॉन पहले एस में कितना है, एक या फिर एस में कितना हो जाए, दो। दो। ये बताओ ये हाफ फिल्ड है कि नहीं, हाफ फिल्ड समझ गया कैसे, एक ही है या फिर इसमें इन दोनों में कौन स्टेबल होगा, ए वाला एस टू ये स्टेबल है ना, यस बोलो भाई समझ रहे नहीं समझ yes. आपने कहा कि सर इतना तो हम समझ रहे हैं कि ये एस टू है इससे ये ज्यादा स्टेबल है yes. इसके आंसर एनर्जी ज्यादा होगी yes. तो ये तो बात पहले समझ गए कि लिथियम से ज्यादा किसकी होगी, बेरिलियम, इतना तो समझ गए ना भाई, क्योंकि इससे ये ज्यादा स्टेबल है ना, ये हाफ फिल्ड है ये फुल फिल्ड है ना, इतना तो समझ गए ना। अब लोचा आएगा कहां से भाई, बेरिलियम और बेरिलियम और बोरान, यहाँ देखो जो लास्ट लेकर निकालो टू एस टू से निकाल रहे हो, और यहाँ जो निकाल रहे हो टू एस टू टू पी वन से निकाल रहे हो, बोरान के बारे इलेक्ट्रॉन ये है ना, तो हमको यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, और है ना भैया बोलो यार, तो हमने कहा कि किसी भी चीज का पहली बार, क्या चीज पहली बार महत्व समझ में नहीं आता, ज्यादा होता कुछ चीज अगर पहली बार मिले तो उसका महत्व ज्यादा, कोई भी चीज जिंदगी में आप देखिए जिसको आप चाहते हैं आशीष जी, अगर कब मिले आपको हम ये नहीं कर रहे, कुछ भी आपको जिंदगी में जो पहली बार मिले उसका महत्व ज्यादा होता है, याद रखिएगा कि पहली बार इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल रहे कृष्ण जी, यस से, और ये कहां से निकाल रहे, इन दोनों में कौन स्टेबल है, टू एच टू स्टेबल, देखिए ये पी देखिए, अगर P तब स्टेबल होता जब P कम से कम क्या होता, हाफ फील्ड, क्या होता हाफ फील्ड, लेकिन यहाँ देखिए आप कहां से निकाल रहे हैं, यस से, और यहाँ कहां से निकाल रहे हैं, P से, इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है, यस कृष्णा जी ये क्या आपका ज्यादा, तो यहाँ से रिमूव कीजिएगा इलेक्ट्रॉन, तो इसके कंपेरिजन में यहाँ पे जो आपको एनर्जी लगेगा वो आइंसन एनर्जी ज्यादा होगी, किसके कंपेरिजन में, बोरान के, पहले ये समझ दोनों का आइवन, बोलिए भाई कृष्णा जी, तो हमें बताओ अगर एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, ये तो लिख लिया ना आप लोग, इसमें 2s2 बच जाएगा, इसमें 2s1 बच, बताओ भाई प्यार से बोलना, ये 2s1 और ये क्या बचेगा आशीष जी, 2s2, अब ध्यान से देखो, अगर मैंने कहा सेकंड निकालेंगे, कौन सा सेकंड, मैंने फिलहाल किसकी बात किया, आंसर एनर्जी, अब भाई पहले तो निकाल चुके हैं एक इलेक्ट्रॉन दोनों में से, अब किसको निकालना है, अब बताओ अब कौन स्टेबल आशीष जी, 2s2 नहीं समझ, अब ये फुलफिल्ड हो गया ना, जब इधर आएंगे तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, नहीं समझ भाई कैसे, समझ गया सर, समझ बोलो यार, समझ गया, तो थोड़ा सा देखो लोचा क्या होता है, बस पहली बार, कब पहली बार यहाँ से और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लिएगा, तो हम लोग जो पढ़े कि इधर बढ़ना चाहिए था उस हिसाब से बेरिलियम से ज्यादा किसका होना चाहिए था, बोरान, नहीं समझे भाई, हम लोग जो पहले बोर्ड के हिसाब से एनर्जी बढ़ेगा तो बेरिलियम से ज्यादा किसका होना चाहिए भाई, बोरान, लेकिन जब हाफ फील्ड और फुल फील्ड आपने पढ़ा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड पढ़ा तो बेरिलियम अधिक हो गया बोरान का, ये समझ गए पहले, तो थोड़ा सेटअप करें फिर से इसको एक बार, सेटअप कैसे करेंगे, बस पहली बार लिथियम के बाद बोरान, रुक जाइए सर, फिर अभी दरिया भी होगा, रुक जाइए अभी पहुंच रहे अच्छा फिर नियॉन होगा, सुनिए बता रहे, इतना पहले समझ गया, तो इतना समझ गया, नहीं समझ गया, अब थोड़ा देखो नाइट्रोजन में और कार्बन में, कहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन, तो उसमें देखो लोचा नहीं है, क्योंकि इतना तो भाई नाइट्रोजन कार्बन में ये 2s2 ये 2p3 है, तो ये तो सही किधर बढ़ेगा, लोचा कहाँ होगा भाई, अरे सर तो सर कार्बन नाइट्रोजन और 2p3 है ना सर, ठीक है इधर तो बढ़ी रहा ना यहाँ से, जैसे ये समझ गए इससे इससे इसका ज्यादा क्यों हुआ, क्यों ज्यादा हुआ, क्योंकि ये फुल फील्ड था, इसके बाद ये सही है, सिर्फ एक का डिफरेंस चलता है, सिर्फ कितने का, एक, तो जो हाफ फील्ड है या फुल फील्ड जो स्टेबल है सिर्फ अगले वाले से, आप अगर दबंग है पड़ोसी से, और सर तो ये भी तो कार्बन नाइट्रोजन, एक सेकंड अब इसका कंपेरिजन हम इससे नहीं, अरे सर हम एक सेकंड पहले समझ गए, इसका कंपेरिजन हमें किससे किया, सिर्फ अगले वाले बट इसका कंपेरिजन इससे नहीं कर सकते, तो इससे ही ज्यादा हुआ ना, हम इसका कंपेरिजन सिर्फ किससे करेंगे, बगल वाले इससे ही ज्यादा हो गया, बट इससे ज्यादा ये नहीं, ये है, अब समझिए
इससे तो ये स्टेबल है ना, लेडीज का ज्यादा होगा, लोचा यहाँ पे है। देखो भाई सत्यम जी, ये 2P3 और ये 2P4 ठीक, उस हिसाब से इसका ज्यादा होना चाहिए ना। इससे देखो ये पहली बार है ना जस्ट, बट ये छोटा है लेकिन हाफ फिल्ड है क्या ये, थोड़ा इससे ये क्या है स्टेबल, जो एनर्जी लगेगी इसके कंपेरिजन में इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, बट इसका अब इसका इससे कोई कंपेरिजन नहीं, इसका इससे कोई मुकाबला, ये क्या होगा सर? तो कार्बन को इधर लिखते हैं सर, कार्बन और नाइट्रोजन का नहीं कंपेरिजन करेंगे, करेंगे तो नाइट्रोजन पीछे चला जाएगा। हाँ ठीक है सर, ये तो आगे ही रहेगा सही है, लोचा इसमें और सिर्फ इसमें है, नहीं समझे भाई? समझ रहे, देखो फिर कैसे, देख लो सुनो यहाँ भी, जैसे देखो 2P3 है, ये 2P4 कौन हाफ फील्ड है, 2P3 ये देखो ये स्टेबल है ना इसके कंपेरिजन में, इसलिए इसका जो भी आंसर एनर्जी होगा फर्स्ट हो वो ज्यादा होगा किससे? लेकिन 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 इधर ध्यान से इधर देखो, ये हो जाएगा आप 2P2 क्या हो जाएगा, 2P2 ये क्या हो जाएगा, अब बताओ कौन स्टेबल हो गया, 2P3 स्टेबल हो जाएगा। जब सेकंड की बात करेंगे I2 इसकी ज्यादा हो जाएगी इससे, ये पूछ रहे ना आप आशीष कृष सत्यम जी, ये 2P2 और 2P3 भैया ये तो स्टेबल है ना, यहाँ से आप इसलिए आसान, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान नहीं ये समझ गया, और इधर सही है इधर, क्योंकि वो सिर्फ एक ही पे आएगा, सिर्फ कितने का देखे अगले वाले का, उससे अधिक और इसमें का इसका कोई है नहीं, ये तो खुद ही स्टेबल है। तो बता भाई ये देखो यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे, लोग प्यार से बोलते हैं बेबी कॉर्न, सुने बेबी को कॉर्न पसंद है, बेबी कॉर्न ले बेबी सी ओ एन, और इसी तरह सब पीरियड में चलेगा। हाँ तो जस्ट इसके बाद है, सेकंड बाद जस्ट कौन आएगा, थर्ड, तो थर्ड में भी, तो अब देखो आप किसी का भी आंसर लगाओगे तो आप ये वाला लगाओगे आंसर कौन सा, ये नहीं समझे भाई, जैसे पहले लोग वही पढ़ते हैं कि इधर जाने पर बढ़ेगा, लेकिन अगर जो हाफ फील्ड होगा उसकी आंसर एनर्जी अगले वाले से ज्यादा होती है, अगले में कितना एक ही अगले से लेंगे उससे अधिक, सर ये पीरियड्स में होगा और सारे एक से लेके, नहीं सारे में नहीं चलना, पहले आप थर्ड पीरियड में आ जाओ, फिर आप दो और तीन में बस सोडियम और समय फिर आओगे अलग माइंड आ जाएगा, क्योंकि डीप लग आ जाएगा ना सब में, थर्ड का जब फोर्थ पीरियड है उसमें डीप ब्लॉक ना आ जाएगा, तो इसमें देखो पता भाई जैसे सोडियम पहले देखो, पहले एकदम मैग्नीशियम इस तरह से अमोनिया सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्रोमीन आर्गन, ये समझ गए, बट इसमें देखो ये आपका 2s2 है 3s2 है, बोलिए भाई ये आपका देखो 3p3 है और ये आपका 3p6 है, ये तो ऑलरेडी फुल फील्ड है, ये तो ऑलरेडी फुल फील्ड है भाई, अब बताइए इन दोनों में सबसे अधिक किसका होगा इसमें और इसमें, सर इसमें किसका आयनाइजेशन Mg में सर अधिक होगा, नोट करिए, समझ गए भाई कुछ, अब ये यस सर नहीं समझ पा रहे, समझ पा रहे क्यों, किताब फाड़ रहे थे क्या, कुछ नहीं सर बस थोड़ा इसमें से करना था, लिखने में दिक्कत है, देखो भाई सत्यम जी जल्दी देखो, यस सर धूप लग रही है, आपको धूप लग रहा है ऐसा आँख पे लग रहा है, अच्छा ठीक इसके बाद कलम लग रहा है, कौन सा छोड़ दिया, ऐसा मत करो साथ छोड़ देगा, तो पेन की चिंता मत कीजिए, पेन बहुत रखे हैं आसान से, ये कह रहे तुम कहो तो इंस्टॉल लगवा दो, नहीं सर लंका पे बार फोन कर देंगे दुकान यहाँ ले जाए जवाब, अपने छत पे सुकाने दो वर्षों तक जाना पड़ गया, क्लासेस तो उतर भी जाता है, क्या सोचता आंटी जी कोई भी काम बोले आशीष से घूम कर गया, तुम्हें ज्यादा पता कोई भी अगर एलिमेंट्स है आशीष से, क्या
उसकी जो पहली आंसर एनर्जी होगी उससे दूसरी वाली हमेशा क्या होगी? क्यों? क्योंकि जब अगर न्यूट्रल था तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया दूसरा निकालना उतना आसान है नहीं। उससे जितने कुत्ते तो सब जाग जाएंगे ना। अब जाइएगा तो भौंकने लगेंगे। आपको और मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा। समझ रहे भावनाओं को ना? करना पड़ेगा। चले आगे फिर। नो सर अभी क्या करना। अच्छी बात। आशीष जी का जलवा है भाई। यस सर। दिल्ली तक सोच चलता। ये करे मानसी को अभी तो दिल्ली भेजे थे, पहले रास्ता बना फिर दिल्ली जाए। किसको? नहीं बिहार में मांझी करके थे जो रास्ता बनाए थे पत्थर काट के। दशरथ मांझी। दशरथ मांझी यही मोटिवेट किए थे ना वहाँ पे जो कैमरा वाले थे। कैमरा वाला काम इन्हीं को दिया गया था उससे। तो जो एक बार केला लेके गए थे वहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का सर। चला जाएंगे सर डेली एक दो मूवी। तुम सबको जानते हो। अच्छा देखो भाई जैसे अगर मान लो बात करें बेरिलियम और बोरान का। किसका? बेरिलियम और बोरान। ठीक जैसे यहाँ देखो सीधे लिख रहे हैं I1 I2 I2 I3 I3 I4। पहले इसका इलेक्ट्रॉन व्यास क्या होगा भाई? 1s2 2s2 इसके बाद देखो क्या बच गया। 1s2 2s1 अगर बचेगा 1s2 2s2 अभी तक खोल देंगे। आप किधर खोल देंगे भाई? अभी इधर खोलेंगे। तो यहाँ जब लिखेंगे अगर सेकंड I2 इधर खोल देंगे ऐसे। अब इधर क्या बचेगा? 1s2। समझ रहे इतना ना? ऐसे ही आपको किसी का निकालने से निकाल लेना। दो तो एग्जांपल है ये लिख लेने दीजिए। सही याद रहेगा। याद रहेगा इस तरह से। तुम तो बहुत एग्जांपल लिखते हो। नीचे क्या लिखा है? क्या लिखा है? हमने सुना की लेफ्ट में शायद मेटल होता है एस ब्लॉक होता है ना इधर आने पे नॉन मेटल। तो यहाँ देखो जेट इफेक्टिव कम है ना। यहाँ आसानी से निकालोगे कि नहीं निकालोगे इलेक्ट्रॉन? देखो उधर जाने जेट इफेक्टिव बढ़ जा रहा है ना वहाँ उतने आसानी से नहीं। इसलिए आपको अधिक एनर्जी देना पड़ेगा ना। ये लिखिए मेटल है ना जेट इफेक्टिव लो आंसर एनर्जी। लिखते रहो लो आयनाइजेशन एनर्जी वेयर एज नॉन मेटल non-metal have high ionization energy, high ionization। समझ रहे भाई? बोलिए आशीष जी। यस सर। एक आपने नाम सुना metallic nature। यस सर। जब भी अगर आपको बोलना हो metallic character क्या चीज? metallic nature या character वही। one upon z effect ionization energy, one upon ionization। और अगर आपके नॉन मेटेलिक क्या चीज? नॉन डायरेक्टली पर्पस में रहेगा मेटोलाइट के लिए क्या अगर आई हुआ है छोड़ जो बीच में आएगा स्लाइड्स उसे भी देखिए बात वो देखा जाएगा बात क्या थी तो ग्रुप स्टडी नहीं चल रहा है। अच्छा आपने सुना होगा इधर आने पे बढ़ रहा था ना आंसर एनर्जी सबसे अधिक किसका था? नॉन मेटेलिक नोबल गैस का ना। हीलियम नहीं किसका? नियॉन। नोबल गैस बोला करियो नियॉन। अरे नोबल गैस सबको बोला करो भाई। देखिएगा नोबल गैस नोबल गैस है हाई आयनाइजेशन एनर्जी। सर्किट लीजिएगा
हाई आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे हाईएस्ट किसका है भाई? अगर सेकंड हाईएस्ट पूछा जाए क्या चीज? बहुत समझदार आप तो गुलाब देने का बन गए, लेकिन अगर ये बता दिए तब माना जाएगा आपको। अगर थर्ड पूछा गया सर, थर्ड हो जाएगा चल कुछ फैमिली बता दीजिए कौन सी। अरे सर चल ऑक्सीजन फैमिली बता दो भाई सर, खाली फैमिली बोल दीजिए, कार्बन फैमिली आप बोल दीजिए। नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन फिर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। आशीष जी ध्यान सुनिएगा एक बार फिर बोलिएगा मत, अभी आपने पढ़ा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किसकी याद आती? नाइट्रोजन। ये हाफ फील्ड था ना? यस सर, नाइट्रोजन के था। देखो ये था ऑर्डर पहले फ्लोरीन नियम, सबसे अधिक नोबल गैस हो गया, सेकेंड आपका हैलोजन हो गया, लेकिन इन दोनों में ज्यादा किसकी थी? नाइट्रोजन। तो थर्ड कौन हो गया? नाइट्रोजन। ये बात समझ में आई सर? बार से सर बहुत बढ़िया। लिस्ट पूछा गया तो अल्कली मेटल, अल्कली एस ब्लॉक वाला? हाँ नहीं, एस ब्लॉक में दो होता है। यस सर, फर्स्ट वाला। हाँ क्योंकि देखो जब इधर आने पड़ेगी तो सबसे पहले यही ना है लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला, तो सबसे कम होगा लिथियम का। नोबल गैस में एक लाइन लिख लीजिए, लिस्ट का अगर बात करें तो लिथियम का, लिस्ट का मतलब सबसे कम पीरियोडिक टेबल में सबसे कम हो जाएगा लिथियम का। और हाईएस्ट की अगर बात करें तो नियम न्यूक्लियस का सबसे करीब होता ना वो। यस यस, डी ब्लॉक में नहीं पढ़ेगा संजय, ठीक है? जब डी ब्लॉक आएगा तब पढ़ा जाएगा, कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा आपका। मेटलाइट जो नहीं आप बोल रहे थे, छोड़ दिया जान कुछ जो वहाँ पढ़ेंगे, इसीलिए तो नहीं उसको बता रहा हूँ, मेरे में है लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ इसलिए कि फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे आप। डोंट टच, ठीक है भाई? डोंट टच। ये टॉपिक कितना रहते थे आज? कल का हेडिंग लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी या फिर उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है ना भैया? धन्यवाद आपको और आशीष जी को। तो आज याद रखिएगा आंसर एनर्जी कि मसाला को भारत के